हेलो, गुड मॉर्निंग 11 क्लास स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में हमने स्टार्ट किया था बेटा एल्केन्स। ठीक है, एल्केन्स के अंदर हमने एल्केन्स का आईयूपीएसी नेमिंग देखा था, उसके बाद हमने उसके आइसोमेरिज्म देखे थे। आइसोमेरिज्म के बाद में हमने उनके प्रिपरेशन मेथड्स देखी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, और उसके बाद में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी, लाइक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ लिया था, जिसकी मैकेनिज्म भी अपन ने देखी थी, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन। ठीक है, उसके बाद में हमने सेकेंड मैथड पढ़ा था आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जिसमें हमने वन आइसोमर से सेकेंड आइसोमर को कन्वर्ट करना देखा। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड जो रिएक्शन है वो है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। थर्ड इज एरोमेटाइजेशन। एरोमेटिक क्या होता है बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एरोमा मींस एक प्लीजेंट स्मेल आती है। ठीक है, प्लीजेंट स्मेल कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, उनको अपन एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो आपने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, C6H6। ठीक है, बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स। इनमें एरोमा एक प्लीजेंट स्मेल आती है, इसलिए इन्हें एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो हमने रिएक्शन का नेम क्या लिखा है? एरोमेटाइजेशन। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स बनने का जो प्रोसेस होता है, या जिस रिएक्शन में एरोमेटिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ हम देख रहे हैं ये बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन में कितने कार्बन एटम है? 6। तो एरोमेटिक रिंग बनाने के लिए अपने पास एटलीस्ट कितने कार्बन होने चाहिए? 6 कार्बन तो होने ही चाहिए। ठीक है, ये देखो हेक्सेन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है ये। ठीक है, हेक्सेन की स्टेट वही है सेम, बस मैंने इसको इस तरह से करके लिख दिया। ठीक है, अब हमने इसकी रिएक्शन करवाई, हमने क्या किया? इसको हीट दिया, इसको गर्म किया। ठीक है, आप इसको गर्म वैनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में भी करवा सकते हो, मैग्नीज के ऑक्साइड होते हैं उनके प्रेजेंस में भी करवा सकते हो। जैसे मैंने यहां भी यूज किया V2O5, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है, अब यहां जब हम इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो होता क्या है? ये होगा बेटा कि यहां से जो एच है ना वो बाहर निकल जाएंगे, और जैसे ही H बाहर निकलेंगे, उनकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए वहां क्या बन जाएंगे? बॉन्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, कैसे? देखो, मान लो एक H यहां से और एक H यहां से बाहर निकल जाए, तो इनकी जगह यहां क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर एक H यहां से निकला, सेकेंड H यहां से निकला, यहां भी क्या बन गया? डबल बॉन्ड। फिर नेक्स्ट एच यहां से निकला, नेक्स्ट एच यहां से निकला, यहां भी क्या बन गया? डबल बॉन्ड। अब क्या हुआ? इसमें से एक और एच निकला, इसमें से भी एक और एच निकला, यहां इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं था, तो अब डबल की जगह क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, जैसे यहां CH3 था, ठीक है, मैंने एक एच निकाल दिया, ये हो गया CH2। ठीक है, सिंगल बॉन्ड पहले से था, इसमें से भी एक एच निकाल दिया, क्या हो गया? ये CH, और यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब इन दोनों में से तो हाइड्रोजन निकल गए, अब इसमें से और इसमें से निकलेगा, तो ये तो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, ये हो गया सिंगल बॉन्ड। यहां से एक एच रिमूव किया, इधर से एक एच रिमूव किया, तो CH और CH हो गए, और हाइड्रोजन रिमूव किया तो यहां क्या आ गया? डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर उसके बाद में इन दोनों के बीच में से कर लिया, अब यहां से किया, तो ये तो सिंगल बॉन्ड ही रहा, सिंगल बॉन्ड CH, एक एच यहां से बाहर निकला, एक एच यहां से बाहर निकला, ये हो गया CH2, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अब हमने क्या देखा? भाई यहां और यहां भी बॉन्ड बनना है, तो दोनों में से एक एक हाइड्रोजन और हटा दिया, तो अब
तो एक बॉन्ड पहले से था, फिर एक और बना तो क्या बन गया, डबल बॉन्ड। लेकिन यहां पे इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, तो देखो एक एच यहां से निकाला, एक एच यहां से निकाला, इनके बीच में क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो क्या होगा, देखो कार्बन, देन आगे क्या बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, देन आगे सिंगल बॉन्ड, फिर आगे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो किसके जैसा है, इसका स्ट्रक्चर बेंजीन। और बेंजीन कौन सा कंपाउंड है बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है, इस सिक्स मेंबर्ड कंटेनिंग जो कंपाउंड है, ठीक है, इसको जब हम हीट कर रहे हैं वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो यहां क्या होगा, बेंजीन रिंग बन जाएगी। ठीक है, और बेंजीन रिंग को कौन से कंपाउंड बोलते हैं हम, एरोमेटिक कंपाउंड। इसलिए इस रिएक्शन का क्या नाम होगा, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। क्लियर, तो देखो हमने कितनी रिएक्शंस पढ़ ली, थ्री। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड इज आइसोमेराइजेशन रिएक्शन एंड थर्ड इज एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। क्लियर, चलो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, तो नेक्स्ट रिएक्शन का ये होता है क्या, कंबशन। और ये रिएक्शन सब की पढ़ी हुई है, ठीक है, कौन सी रिएक्शन है नेक्स्ट, ये फोर्थ रिएक्शन कंबशन। आपको पता है कंबशन का मतलब क्या होता है, कंबशन का मीनिंग होता है कि हम किसी भी चीज को क्या करें, अगर बर्न करें, जलाएं, और वो भी किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंबशन। ठीक है, आपने ये रिएक्शन बहुत बार पढ़ी होगी, कार्बन है उसको हमने क्या किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया, हीट किया, बर्न किया, तो क्या बनता है उससे, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर ये रिएक्शन नहीं पढ़ रहे, मैं आपको बस रिवाइज करवा रही हूं जो रिएक्शन आपकी पढ़ी हुई है। तो कार्बन में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ तो कौन क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इसके साथ बहुत सारे हीट प्लस लाइट, ये चीजें भी बाहर निकलती है। ठीक है, फिर आपने ये भी पढ़ा होगा, अगर कभी कार्बन को सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, मीन्स ऑक्सीजन की उसमें जो सप्लाई हो रही है वो अच्छे से नहीं हो रही है, उस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड के प्लेस पे क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन आप टेंथ क्लास में भी पढ़ चुके हो, नाइन्थ में भी, एट सेवन्थ क्लास में भी पढ़ चुके हो। ठीक है, बट यहाँ पे अपन क्या करवा रहे हैं बेटा, कंबशन तो करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो जो कंबशन है वो हम कार्बन का नहीं करवा रहे हैं, वो हम किसका करवा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन में भी हम कौन से हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, एल्केन्स के बारे में। ठीक है, तो यहां हम कंबशन किसका करवाएंगे, CH4 का। ठीक है, तो जब हम CH4 का कंबशन करवाएंगे ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई में, तो यहां क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता ही है, प्लस उसके साथ जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्लस इसमें जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ कंबाइन होंगे, ऑक्सीजन के साथ, और कौन से मॉलिक्यूल बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे, मीन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको क्या करें, बैलेंस करें, जैसे CO2 बन गया और H2O बन गया, तो देखो कार्बन कितना है, 1, यहाँ भी कार्बन 1, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 4, अगर मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया तो 2 2 4, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और इधर भी 2 है, कितने हो गए, 4, मीन्स बैलेंस करने के लिए यहाँ अपन को कितना अप्लाई करना होगा, 2। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई कंबशन की, समझ आ गया, ये कंबशन हम किसका पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन का। कार्बन का कंबशन होता है तो क्या बनता है,
बस उसके साथ बनता है हीट प्लस लाइट वगैरह, लेकिन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर भी बनता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखो। अब अगर मीथेन जो है उसका कंबशन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई में नहीं हो रहा, ठीक है। तो देखो आपने एक एग्जांपल बता दी, मैं आपके डेली लाइफ का एग्जांपल है, आपने देखा होगा घर पे भी बहुत बार, जैसे हम जो यूज करते हैं गैस यूज करते हैं, नॉर्मल आप जो गैस यूज करते हो घर में जिसको हम एलपीजी बोलते हैं, ठीक है। एलपीजी गैस में आपने सुना होगा कौन सी गैस होती है, मीथेन होती है, ठीक है। आप जब उसको यूज करते हो तो आपने देखा होगा वो ब्लू कलर के फ्लेम देता है, ठीक है। लेकिन वो ब्लू फ्लेम जो होती है वो कई कई बार आपने देखा होगा कुछ कंडीशंस में उस ब्लू फ्लेम की जगह पे ऑरेंज फ्लेम या येलो फ्लेम आती है, ठीक है। और जब ऑरेंज और येलो फ्लेम आती है तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आप जो यूटेंसिल्स या जो आप जो आपके यूटेंसिल्स है या जो आपके डिशेज डिश वगैरह है जो आप यूज कर रहे हो खाना बनाने के लिए, वो नीचे से कैसे हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है। कुछ कंडीशन में जब प्रॉपर सप्लाई किसकी नहीं हो रही है, एयर की नहीं हो रही है, जो बर्नर होता है ना उसमें क्या होता है बहुत सारे होल्स होते हैं, ठीक है। तो वहां से क्या होता है ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई होती है, और ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई होने की वजह से मीथेन जो है उसका प्रॉपर कंबशन होता है और उससे CO2 और जो भी हीट प्लस एनर्जी है वो रिलीज होती है। लेकिन अगर वहां पे वो जो बर्नर वगैरह है उनमें मान लो कोई डस्ट पार्टिकल या कुछ भी ऐड हो गया तो वो बर्नर के जो होल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। अब कुछ ब्लॉक हो गए मतलब क्या नहीं हो रहा, ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही है। और जब ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के प्लेस पर किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बन ब्लैक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और कार्बन ब्लैक का फॉर्मेशन होने की वजह से ही आपने नोटिस किया होगा कि जो आपके यूटेंसिल्स हैं जिनको आप खाना बनाने के लिए यूज कर रहे हैं वो उसके नीचे एक ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है, क्लियर है। इसी को हम कार्बन ब्लैक कहते हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होता है ये जो कार्बन ब्लैक होती है, ठीक है, इसको बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह में इसको डेवलप भी किया जाता है क्योंकि इसका यूज जो होता है वो ब्लैक इंक का फॉर्मेशन करने में भी किया जाता है, क्लियर। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो हमने पढ़ी कंबशन, इसके टू पार्ट्स होंगे। एक बार होगा कि प्रॉपर सप्लाई अगर हो रही है ऑक्सीजन की तो क्या बनेगा, एंड सेकेंड है जब ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही उस कंडीशन में कार्बन ब्लैक बनेगा, ओके। तो देखो हमने कितनी रिएक्शंस पढ़ ली, हमने थ्री टाइप की रिएक्शंस पढ़ी थी। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड इज आपका आइसोमराइजेशन रिएक्शन, थर्ड इज एरोमेटाइजेशन रिएक्शन एंड फोर्थ रिएक्शन इज कंबशन रिएक्शन। क्लियर है सबको, ठीक है, चले आगे। चलो अब देखो नेक्स्ट कंबशन रिएक्शन जो है उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी फिफ्थ रिएक्शन, रिएक्शन विद स्टीम, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन किसके साथ होता है, रिएक्शन विद स्टीम। स्टीम के बारे में सबको पता होगा, पता है ना। देखो स्टीम जो होता है, ठीक है, मतलब जिसको अपन वेपर बोलते हैं जिसमें जो बहुत हाई टेम्परेचर पे बनती है, ठीक है, जिसको आप जनरल लैंग्वेज में भाप बोलते हो, ठीक है। तो जो स्टीम होता है उसका फॉर्मूला भी कैसे होता है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आइस का फॉर्मूला भी H2O होता है, वाटर का फॉर्मूला भी H2O होता है, स्टीम का फॉर्मूला भी H2O होता है, ठीक है। किसी के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो अगर आपने रिएक्शन विद स्टीम किसकी रिएक्शन पढ़ रहे हैं बेटा, हम CH4 की, किसके साथ रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम, स्टीम के साथ, स्टीम मीन्स H2O, ठीक है। तो जब हम इसकी स्टीम के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे और ये किस पे हो रहा है बेटा, हाई टेम्परेचर
100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टीम तो तभी जनरेट होगी जब टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो देखो, जब भी हम इसकी रिएक्शन स्टीम के साथ करवाएंगे, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, CO। CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। प्लस जो भी हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है यहाँ, 4+2 कितने, 6। तो किस फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे ये, 3H2। कौन सी गैस बनेगी यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है, ठीक है। बट आप ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये आपके चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन में भी है, ठीक है। ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, इस किसका, कार्बन मोनो ऑक्साइड का, एंड सेकेंड कौन, हाइड्रोजन, इसको सिंगैस, SYN, सिंगैस, इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में, कौन कौन सी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में सिंगैस या फिर वाटर गैस भी होती है, ठीक है। तो आपकी अल्केन्स की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस थी वो सारी हमने पढ़ी है। अपन ने 5 केमिकल रिएक्शंस पढ़ी है। फर्स्ट रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड इज आइसोमराइजेशन रिएक्शन, थर्ड इज एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, फोर्थ इज कंबशन रिएक्शन, एंड फिफ्थ इज रिएक्शन विद स्टीम। क्लियर। आपको जो नोट्स हैं, जो नोट्स मिलेंगे, मैंने जो नोट्स वेबसाइट पे डाले हैं या आपके ऐप पे डाले हैं, उसमें आप देखोगे एक रिएक्शन और है, पाइरोलाइसिस, बट वो रिएक्शन आपके सिलेबस में अभी नहीं है, इसलिए मैंने वो यहाँ डिस्कस नहीं की है। क्लियर, ओके, थैंक यू।